ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन कर रहे हैं। कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ इनकी वार्ता भी हुई है, आश्वासन भी मिला, लेकिन कोई मकबूल उस पर अमल नहीं हुआ, जिसके बाद अब कर्मचारी जो है सो करे आंदोलन के मूड में हैं। इसी को लेकर इन्होंने 28 मार्च से पुनः उग्र आंदोलन करने की चेतावनी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी है। हाल के दिनों में जो वार्ता हुआ था उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। 11 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग 28 मार्च से आंदोलन करेंगे, जैसा कि कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह ने पत्रकारों को बताया। वहीं इन्होंने कहा कि जिस कर्मचारी को प्रमोशन दिया गया उसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिमोशन कर दिया। वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारी विरोधी कार्य कर रही है। अब देखना यह है कि इन लोगों का आंदोलन का क्या रुख होता है। इनकी शिकायत है विश्वविद्यालय प्रशासन से। आप सुने दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। उसमें जो 11वां नंबर हम जोड़े हैं उसमें मेरा कुल सचिव वन का जो है पद, डिप्टी रजिस्ट्रार, सभी जो जितने पद हैं DR1 DR2 DR3 जो भी है ये हमारे कर्मचारी के पद हैं। हमको यही कहना है कि हम ये पद सारा जो है परीक्षा कंट्रोलर जो सेकंड परीक्षा कंट्रोलर है वो भी कर्मचारी का पद है। ये सारा पद है FOFA फ्रेंड्स बजट एंड ऑफिसर ये सब जो है टीचिंग पोस्ट है। इस पर हम लोगों को तुरंत जो है सक्षम वो आदमी को बहाली किया जाए या उनको चार्ज दिया जाए। बाहर टीचर लोग को यहाँ बनाया जाता है, अपना अपने ढंग से वो लोग मनमाना करते हैं, कर्मचारियों को बहुत ही तबाह तंग करते हैं। यहाँ का कर्मचारी कॉलेज में गया, कॉलेज के कर्मचारी को यहाँ ले आया, अगर कॉलेज का कर्मचारी डिप्रेशन पर आया तो महीना दो महीना छः महीना हो गया, बहुत बहुत विश्वविद्यालय में काम है, आदमी का अभाव है, लेकिन कितना दिन, दो महीना एक महीना, लेकिन यहाँ मथाधिष्ट बैठ के बना दिया जाता है। अच्छा बताइए, जब आप लोग आंदोलन किए तो कुलपति से वार्ता हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जो है DR1 को देना था एग्रीमेंट पेपर जो सहमति बनी थी उसका, लेकिन DR1 ने इस चीज़ को अनदेखी करते हुए वे हम लोगों से कोई वार्ता मन फिर उसके बाद नहीं किए, जबकि दोनों पक्ष का उस पर साइन होना चाहिए। सो कुछ नहीं हुआ। कल के डेट में जब हम लोग ने 14 तारीख को फिर पुनः, लेकिन उस 2 तारीख वाला में भी हम लोग दिए हुए थे जब 22 के बाद कभी भी हम लोग आंदोलन करेंगे अगर मेरी मांग अगर नहीं मानी जाती है तब, लेकिन उस मांग तो नहीं मानेंगे। जो प्रक्रिया विश्वविद्यालय ने कहा, कुलपति महोदय ने कहा, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है 14 तारीख के हम लोग ने फिर कुलपति महोदय को अपना मांग पत्र सौंपने के बाद हम लोग 28 तारीख का निर्णय लेकर 28 तारीख से पूर्णतः बंदी करेंगे ताला। हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक तो दरी पर नहीं उठेंगे। इसके लिए हम लोग विधायक 3/2022 का ये लेटर है जो हमको मिलना चाहिए या बुलाना चाहिए। इस पर दोनों पार्टी को साइन होता, मान लीजिए दोनों पदाधिकारी कर्मचारी का साइन जो होता, सो नहीं हुआ इस पर मांग पत्र पर। उसके बाद ये लोग तो अपना मनमाना कर रहे हैं, ये लोग कर्मचारी को हित की काम ही नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद हमको 24 के डेट में उसी लिफाफा में जो लेटर 5 तारीख को पैक हुआ उसको सील किया गया, 24 तारीख लेटर इसमें फिर कैसे घुसा? 24 तारीख कैसे घुसा? कहीं ना कहीं आप लोग भी जान रहे हैं, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें तो माना जाए कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं। हाँ, कारनामे कर रहे हैं। फिर आप लोग आइए, पदाधिकारी कुलपति महोदय को ठग रहे हैं। कौन पदाधिकारी? जो इसका जो DR1 है, जो मान लीजिए इसके बाद पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी को हम कह रहे हैं कि मान लीजिए पदाधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को कहना था इस पर रजिस्ट्रार साहब से विचार करके साइन करना चाहिए, रजिस्ट्रार साहब का भी साइन नहीं है। मेरा अंतिम सवाल है कि विश्वविद्यालय कुलपति के आदेश और कुलपति के संज्ञान से ही चलती है? हाँ, चलती है कुलपति के संज्ञान से, लेकिन कुलपति महोदय जो काम मान लीजिए किसी भी कर्मचारी पदाधिकारी को निर्देश करते हैं ये काम करना है तो काम करना चाहिए पदाधिकारी कर्मचारी को, लेकिन ऐसा हुआ है, देख लीजिए आपके समक्ष प्रत्यक्ष है,
कोनो गलत बोल रहे हैं सो वाली बात नहीं है। गलती किसकी है, गलती किसकी है? गलती तो मान लीजिए डी आर वन साहब जो है सो उनको ना बनाया गया था, जो आप कर लीजिए। माना जाए कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं, कुलपति को भी गुमराह करते हैं। गुमराह करते हैं, कुलपति महोदय को तो गुमराह करिए रहे हैं, कोई बात नया बात है सो बात तो है नहीं। ये मामला को लेकर आप कुलपति से मिलेंगे? नहीं, कुलपति से तो हम अब नहीं मिलेंगे, इसलिए कि नहीं मिलेंगे कि हम 14 तारीख को हमने लेटर फिर कुलपति महोदय को दिया, लेकिन उसके बाद भी कुलपति महोदय भी छुट्टी के बाद भी लौट के आए थे एक बार हम लोगों से, मतलब बोला कि भी नहीं, मतलब तुम जब वार्ता हुआ तो क्यों दिया नहीं दिया वो सब पूछे नहीं। अब तो मान लीजिए हम लोग तो ठान लिए हैं भैया, जो हो 5 कर्मचारी हैं उन्हें डिमोशन कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला? 5 आदमी जो साकेत कुमार मिश्र हैं उन लोगों को जो डिमोशन किया गया है, विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझ के ऐसा किया है, हाँ जानबूझ के ऐसा किए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन। अगर वापस नहीं लेते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, अगर वापस नहीं लिया जाता इसमें तो हम लोग और भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, हम कर्मचारी के हित में ही काम करेंगे। इन लोग पदाधिकारियों को ही चाहिए जो कर्मचारी हित में काम करना, लेकिन पदाधिकारी कर्मचारी हित में काम नहीं कर रहे हैं, अनहित कर रहे हैं। सारा मीटर आप देखिएगा अभी से करीब 17-18 महीना का सारा जो है कर्मचारी विरोधी काम हो रहा है।